हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जैब्रोनिक्स का ब्लूटूथ हेडफोन लाया हूं, जो कि काफी अच्छा हेडफोन है और चीप इन कॉस्ट है और काफी सुंदर देखने में भी लगता है। स्पीकर क्वालिटी भी काफी अच्छा है। चलो मैं इसका पूरा डिटेल बताता हूं, ये क्या प्राइस में आने वाला है, इसमें क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है, इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो, सारा डिटेल। तो इसका मॉडल नंबर जो है वो जैब थंडर है, वायरलेस हेडफोन है। इसका जो बैकअप टाइम है वो आप देख सकते हो, 9 आवर्स से ज्यादा भी आपको ये बैकअप दे सकता है। एज पर यूजेस 3 कलर अवेलेबल है, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू। बिना डिले के इसको ओपन करता हूँ और देखता हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है। ऑक्स केबल देता है इसमें, माइक्रो यूएसबी टाइप चार्जर, यूजर मैनुअल को आप कैसे यूज कर सकते हो, इसमें क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है। हेडफोन का मेन यूनिट, तो जैसा कि आप देख सकते हो काफी यूनिक कलर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, व्हाइट के साथ सी ग्रीन को देखने को मिल जाएगा। ऐसे बनाया गया है और आप देख सकते हो काफी इसमें फीचर्स दिया हुआ है। तो मैं सारे फीचर्स के बारे में बात करता हूँ, तो बताता हूँ ये ब्लूटूथ हेडफोन कैसा है और आपको ये परचेज करना चाहिए या नहीं। चलो मैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। और ये हेडफोन का ब्लूटूथ वर्जन 4.2 है, जो कि आप वायरलेस रेंज 10 मीटर तक आप इसको यूज कर सकते हो। और इसका जो इम्पीडेंस है वो 32 ओम्स है और जो इसका वेट है वो काफी लाइट वेट है, जो कि 142 ग्राम का है। इसको जब आप एक बार चार्ज करोगे तो अप्रोक्स 9 घंटे तक आपको बैकअप दे देगा। चार्ज करने में टाइम लगने वाला है वो 1.5 आवर्स लगने वाला है, और अपने हेड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। और आप देख सकते हो इसका जो स्पीकर का एरिया है जो काफी अच्छा है, आपके कान में कंफर्ट से लग जाएगा और आपको कंफर्ट देगा। आप लोगों को अभी दिखाया कि इसको आप कैसे लगा सकते हो। एक माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट दिया हुआ है, जो कि आप लगा के कंटिन्यूअस इसको प्ले कर सकते हो। वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप का बटन दिया हुआ है, और यहाँ पे प्ले पॉज का बटन दिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एलईडी लाइट का इंडिकेशन है, जो कि अगर आप चार्ज में लगाओगे तो रेड कलर जलेगा, और ये जब पेयरिंग मोड में रहेगा तो ब्लू कलर में ब्लिंक करेगा, और जैसे ही पेयर हो जाएगा ब्लूटूथ से तो ये कंटिन्यूअस ग्लो करेगा। माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट दिया हुआ है चार्जिंग के लिए, ऑक्स केबल, और यहाँ पे आप देख सकते हो माइक दिया हुआ है जिसकी मदद से आप कॉल पे बात कर सकते हो, और यहाँ पे पावर बटन दिया हुआ है जिससे आप कॉल रिसीव कर सकते हो और इस स्पीकर को ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड राइट, तो आप इसके अकॉर्डिंग पहन सकते हो। जैब्रोनिक्स अपनी ब्रांडिंग करती है, चीप इन कॉस्ट है, लुक वाइज काफी शानदार लगा देखने में। जैब थंडर आप लोगों को 500 के अंडर में मिल जाने वाला है, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, और इसका प्राइस थोड़ा वेरी करता है, तो 500 से 600 के बीच में मिल जाएगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका फीचर्स, मीन्स की फीचर्स। और अगर आप वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस किए रहोगे तो वॉल्यूम डाउन होगा, और अगर सिंगल प्रेस करोगे तो ये प्रीवियस सॉन्ग को बजा देता है। अप बटन को प्रेस किए रखोगे तो वॉल्यूम अप होगा, और सिंगल प्रेस में नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो जाएगा, और यहाँ से आप प्ले पॉज कर सकते हो। पावर बटन दिया हुआ है जिसकी मदद से आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये ऑन हो चुका है, और यहाँ पे लाइट ग्लो कर रहा है जैसा कि मैंने बताया, ये ब्लिंक करता है, और ये मेरे फोन से कनेक्ट हो चुका है इसीलिए ये कंटिन्यूअस ग्लो करने लगा, और आप देख सकते हो ब्लू जल रहा है। जब मैं अभी चार्ज में लगा के दिखाऊंगा तो देखना आप ये रेड जलने लगेगा। जब भी आपका कॉल आएगा तो आप सिंगल प्रेस करके आप इसको रिसीव कर सकते हो, और अगर कॉल को डिस्कनेक्ट करना है तो लॉन्ग प्रेस करना। ड्यूरिंग कॉल आप कट करना चाहते हो कॉल को, सिंगल प्रेस करोगे तो कॉल कट जाएगा। प्ले पॉज बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये मोड चेंज करता है, मीन्स ब्लूटूथ से इसमें एफएम मोड में चला जाता है, मीन्स इसमें एफएम भी दिया हुआ है। ये ऑन रहेगा स्पीकर, तो आप पावर बटन को प्रेस करोगे लॉन्ग टाइम तक तो वॉइस असिस्टेंट एक्टिव हो जाएगा, तो आप इसको कमांड भी दे सकते हो। तो काफी अच्छा प्रोडक्ट लगा मेरे को, और इसमें काफी ज्यादा फीचर्स दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें एसडी कार्ड सपोर्टेड है, ऑक्स केबल सपोर्टेड है, एफएम दिया हुआ है, वॉइस असिस्टेंट दिया हुआ है। तो इतने प्राइस में काफी अच्छा हेडफोन लगा मेरे को ये, तो आप इसको परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो मैं इसको चार्ज में लगा के दिखाता हूँ। अगर आपका हेडफोन डिस्चार्ज है, ऑक्स केबल के मदद से आप हेडफोन को यूज कर सकते हो, तो काफी अच्छा है। जब चार्ज नहीं रहेगा तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो मैं चार्ज में लगाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको
चार्ज में लगाया तो आप देख सकते हो ये रेड कलर का ग्लो करने लगा, और जैसे ही ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये ब्लू कलर में जलने लगेगा। और इसका साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छा है। तो ये प्रोडक्ट आपको परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से परचेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।